हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। तो सारे बच्चे अपना नोटबुक और पेन निकाल के रखेंगे क्योंकि आज से आप लोगों की टॉपिक वाइज सीरीज जो है वो शुरू हो गई है और ये सीरीज आप लोगों की रीजनिंग की रहेगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, HSSC है, SSC है, रेलवे है, बैंकिंग है, कुछ भी, ठीक है, XYZ कोई भी आपका एग्जाम है, तो उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो बशर्ते उसके अंदर आपकी रीजनिंग आनी चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें रीजनिंग आती नहीं, फिर आप कहोगे मैम ये टॉपिक कैसे आएगा उसमें, तो रीजनिंग आनी चाहिए। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आप लोगों का डाइस से रिलेटेड। और जो डाइस का टॉपिक है आप लोगों का, वो आपने देखा भी होगा अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगाए हैं, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर ने ना पूछा हो, है ना। डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन वो हमेशा पूछता है। तो आज है ना बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से हीरो तक की सीरीज रहेगी, इतना मान के चलो आप लोग। अगर आपको रीजनिंग का आर भी नहीं पता तो बस वहीं से शुरुआत करनी है हमने, तो हम डाइस वाला टॉपिक उठा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोगों ने कभी भी सांप सीढ़ी का गेम तो खेला है ना बचपन के अंदर, है ना, सांप सीढ़ी खेली है सभी ने। तो सांप सीढ़ी के अंदर आप लोगों का जो गिट्टा होता है ना, गिट्टा वो डाइस होता है। क्या होता है वो? डाइस। उस पे आपके नंबर कितने होते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे कि उसके ऊपर नंबर होते हैं आपके 1, 2, 6, है ना। तो जो डाइस वाला चैप्टर है वो आपका कहां से कहां तक चलेगा, बस 1 से लेकर 6 तक चलेगा। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 6 तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों के सामने डाइस बना रही हूं, ठीक है। ये डाइस आप लोगों का, इसके अंदर है ना पहले बेसिक सी बातें आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है। बेसिक बातें कौन सी? पहली बात, डाइस के फेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं डाइस के, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं फेस और हिंदी में बोलेंगे सतह। क्या बोलेंगे? सतह। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे आप लोगों के, आप क्या जवाब देंगे? नंबर ऑफ फेसेस, पता है मैं एक सेकेंड आपको डाइस दिखा रही हूँ, डाइस की शेप दिखा रही हूँ, ठीक है। डाइस तो क्या है, डाइस की थोड़ा सा आइडिया है। अब ये तो आपका क्यूबॉइड है, क्या है ये आपका क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। बट जो डाइस होता है वो आपका क्यूब की शेप में होता है, किसकी शेप में? क्यूब की शेप में। अब यहाँ पे है ना, ये मैंने बात की आपको 6 फेस की, कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। कौन से? जैसे यहां से चलो, यहां से एक फेस ये, ओके, एक इसके अपोजिट में 2 फेस, फिर एक इधर 3 फेस, फिर एक इधर 4 फेस, एक इधर 5 फेस, फिर इसका उल्टा 6 फेस। तो डाइस में नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, आप लोग क्या बोलेंगे कि मैम डाइस में नंबर ऑफ फेसेस होते हैं आप लोगों के 6। कितने होते हैं? 6। ये बात सबकी क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे वर्टिसेस की। किसकी बात करेंगे भाई? वर्टिसेस की बात करेंगे। वर्टिसेस क्या होते हैं आप लोगों के? कोने होते हैं, कोने। क्या होते हैं वर्टिसेस? कोने, जिनको आप लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष। क्या बोलते हैं इनको? शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष पता है कौन से होते हैं? शीर्ष ये होते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं आप लोगों के? 8 होते हैं। चलो प्रैक्टिकली देखते हैं इसी चीज को। ये था आपका, अभी कोने काउंट करने हैं तुम लोगों ने। इधर वाले फेस पे कोने काउंट किए, 1, 2, 3, 4, कितने कोने हो गए? 4 कोने। उसके बाद सेम इसका अपोजिट, 5, 6, 7, 8, कितने कोने हो गए? 8 कोने होते हैं। डाइस में कितने कोने होते हैं भाई? 8 होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आप लोगों का एजेस। क्या आता है? एजेस, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? किनारे। एजेस को क्या बोलेंगे आप लोग? किनारे, ठीक है। तो किनारे कितने होते हैं डाइस के अंदर? किनारे, किनारे ये वाले होते हैं, देखो काउंट करना, ये वाली लाइन 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8। 8 तो सीधे सीधे बन गए हमारे। अब यहां देखो 9, 10, 11, 12। नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे आप लोगों के?
12 हो जाएंगे, 12 कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ फेजेस 12 होंगे, समझ आया। फिर से प्रैक्टिकली करके देखते हैं, है ना, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। यही वाला है जैसे आपका नंबर ऑफ फेजेस की बात करेंगे, एक दो तीन चार, चार हो गया, चार ही इसके बैक में, पांच छ सात आठ, आठ हो गया। अब इधर आ जाओ, ये वाला नौ, ये वाला दस, ये ऊपर वाला काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने इसमें काउंट कर लिया था, है ना, दस ग्यारह बारह, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ फेजेस होंगे आप लोगों के 12। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने डाइस के बारे में ये तीन चीजें सीखी हैं, क्योंकि एग्जामिनर अगर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे दे, ये पूछ ले कि आपके नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, डाइस के अंदर नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, छह होते हैं। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं, आप लोग बोलेंगे कोनों की संख्या होती है आप लोगों की, आपने लिखा नहीं गंदे बच्चों ने, एट, क्या होगा एट, वर्टिसेस की संख्या कितनी होती है, एट होते हैं। उसके बाद एजेस के बारे में पूछेगा, तो एजेस कितने होते हैं आप लोगों के, 12 होते हैं, 12। यहाँ तक हर बच्चा अपनी नोटबुक में नोट करो, और कमेंट बॉक्स में, आप तो ऑफलाइन देख रहे हो इस वीडियो को, है ना, तो अभी कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताओ, ये चीजें आप लोगों को समझ आई कि नहीं, यस और नो, फटाफट। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से नोट आपने साथ साथ कर लिया। उसके बाद मैं इस चीज को मिटा दूं और टाइप नंबर सेकंड पढ़ते हैं अब हम लोग। कंसेप्ट फर्स्ट हमारा क्लियर है ना, कंसेप्ट फर्स्ट हमारा क्लियर। सेकंड कंसेप्ट क्या कहता है भाई, सेकंड कंसेप्ट में वो अपोजिट पूछेगा। हेडिंग बनाओ, कंसेप्ट सेकंड, इसमें है ना वो आपसे अपोजिट पूछेगा, अपोजिट, अपोजिट नंबर इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी अपोजिट नंबर क्या होता है पता है आप लोगों को, मैं आपके सामने फेस कर रखा है, मैंने मेरा फेस दिखाई दे रहा है क्या, पीछे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, मुंडी नहीं दिख रही, नहीं दिख रही ना। अब मैंने यूं फेस कर लिया, मेरा जो ये लेफ्ट लेफ्ट हिस्सा ये आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या राइट हिस्सा दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे नहीं दिख रहा है ना, हाथ से लगा लो, ये दिख रहा है ये नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है तो ये इस साइड वाला नहीं दिखेगा, ऊपर दिख रहा है तो इसके बैक वाला नहीं दिखेगा। सिंपल सी बात है, अपोजिट फेस कभी भी साथ में नहीं दिखते, जो भी अपोजिट होएगा ना वो कभी साथ नहीं दिखेगा, या फिर उल्टा बोल लो इस लाइन को कि जो साथ नहीं दिखेगा वो अपोजिट होता है। बस इधर देखो, ये वाला इसका अपोजिट कौन सा होने वाला है, आप लोग कहेंगे मैम ये वाला है ना, उसके बाद ये वाला इसका अपोजिट कौन सा होने वाला है, आप लोग कहेंगे मैम ये वाला, उसके बाद इसका इसका अपोजिट कौन सा होने वाला है, आप लोग कहेंगे मैम ये वाला, है ना। तो अपोजिट फेस कभी भी साथ में नहीं दिखते, ये लाइन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और आप भी अपनी नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि ये चीज लास्ट चैप्टर तक काम आने वाली है आपको, इस चैप्टर के लास्ट तक ये चीज काम आएगी। अपोजिट फेस कभी भी साथ नहीं दिखते, अपोजिट फेस कभी भी साथ नहीं दिखते, समझ आ गया, क्लियर। अपोजिट फेस वाला कंसेप्ट ये है अपना। उसके बाद क्या होता है, अभी अपोजिट फेस सॉरी अभी तो हमने ये सीखा है कि अपोजिट फेस होते क्या हैं, अब ये सीखेंगे कि अपोजिट डिजिट कौन सा आ सकता है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को डाइस के एक बार पार्ट बता दूं, डाइस के पार्ट बता देती हूँ मैं आप लोगों को। डाइस है ना आपका दो पार्ट का होता है, दो टाइप होते हैं डाइस के, एक तो होता है आप लोगों का सिंपल डाइस, क्या होता है, एक तो होता है आप लोगों का सिंपल डाइस और एक होता है आप लोगों का स्टैंडर्ड डाइस, क्या होएगा स्टैंडर्ड डाइस, समझ आया। एक होता है सिंपल डाइस, एक होता है आप लोगों का स्टैंडर्ड डाइस। अब इस स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, जो अपोजिट फेस होते हैं ना, अपोजिट फेस, उनका सम हमेशा तुम्हें सात मिलेगा। स्टैंडर्ड डाइस की ये पहचान होती है कि अपोजिट फेस का जोड़ हमेशा सात मिलेगा। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने आपके सामने बोला ये वाला, ये ले आई मैं, यहाँ पे एक लिखा दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है ना, इसका अपोजिट फेस कहाँ है, आप कहेंगे मैम इसके बैक साइड में, यानी यहाँ पे। एक का अपोजिट क्या हुआ, छ, छ और एक सात,
6 और 1 7। उसके बाद आपने इसको देखा, क्या ये 2, तो आप क्या कहेंगे, इसके बैक में जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप लोग बोलेंगे मैम 5, 2 का अपोजिट 5, तो ये भी क्या है, स्टैंडर्डाइज। उसके बाद आपने ये देखा, क्या लिखा हुआ है, 3, इधर से देखा आपने क्या लिखा हुआ है, 4, तो 3 और 4 का जोड़ 7, ये भी क्या है आपका, स्टैंडर्डाइज। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज की पहचान क्या होती है, स्टैंडर्डाइज में हमेशा अपोजिट फेस का जोड़ आपका 7 मिलेगा। समझ आया, अपोजिट फेस का जोड़ हमेशा 7 मिलेगा। ठीक है, अगर आपको 1 दिखाई दे रहा है तो इसका अपोजिट आप लोग 6 बताएंगे, 2 दिखाई दे रहा है तो इसका अपोजिट आप लोग 5 बताएंगे, 3 दिखाई दे रहा है तो इसका अपोजिट आप लोग 4 बताएंगे। समझ आ गया सभी को, सिंपल में क्या होता है, सिंपल में है ना हम कुछ नहीं कह सकते, सिंपल में अपोजिट फेस के बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसमें एडजेसेंट फेस का जोड़ 7 होता है। क्या, एडजेसेंट फेस का जोड़ कितना होता है, 7। एडजेसेंट फेस मतलब 7 वाले, जैसे ये डाइस था ना तुम्हारे सामने, ये था, ये 6 दिखाई दे रहा था ना, तो इसके एडजेसेंट कौन कौन है, इधर तो ये इसका पड़ोसी है, यहाँ पे 1 हो जाए, इधर ये इसका पड़ोसी है, यहाँ पे 1 हो जाए, इधर ये भी इसका पड़ोसी है, यहाँ पे 1 हो जाए, या फिर ये भी इसका पड़ोसी है, यहाँ पे 1 हो जाए। तो अगर इन फेसेस पे आपका 1 लिखा मिल जाता तो वो आपका क्या बन जाता, सिंपल डाइस बन जाता। क्या बन जाता, सिंपल डाइस बन जाता। क्लियर भाई, तो डाइस 2 टाइप के होते हैं, आप अभी डाइस बना के दिखाऊंगी। जैसे मैंने आपके सामने बोल दिया, देखो इधर मैंने बोला 1, 3 और 4, ये दिखाई दे रहा आपको 1, 3 और 4, उधर वाले में आपको दिखाई दे रहा है 1, 5, 4। तो अभी आपको पता है क्या चेक करना है, आप है ना सम चेक कर लो सभी का, सभी फेसेस का सम चेक करो, क्या इधर वाले में आ जाओ, क्या 1 और 5 7 होता है, नहीं होता, 5 और 4 7 होता है, आप कहेंगे नहीं होता, 4 और 1 7 होता है, आप कहेंगे नहीं होता। किसी भी एडजेसेंट साइड का जोड़ 7 नहीं है, और अगर एडजेसेंट साइड का जोड़ 7 नहीं है, इसका मतलब अपोजिट फेस का जोड़ 7 है। ये चीज हमेशा याद रखना, ये ना मतलब आपस में वो होती है, नोट करो, यहाँ पे लिखो नोट, नोट लगा के लिखेंगे, अगर एडजेसेंट साइड का फेस एडजेसेंट साइड का सम 7 न हो तो अपोजिट फेस का सम 7 मिलेगा, 7 मिलेगा। नोट कर लो सारे बच्चे, अगर एडजेसेंट साइड का जोड़ एडजेसेंट फेसेस का जोड़ 7 नहीं है तो सिंपल सी बात है अपोजिट का जोड़ 7 मिलेगा, और अपोजिट का जोड़ 7 मिलता है तो वो कौन सा डाइस होता है, स्टैंडर्डाइज। कौन सा होता है वो, स्टैंडर्डाइज होता है, स्टैंडर्ड। हिंदी में बात करें तो सिंपल डाइस को बोलते हैं साधारण पासा, साधारण, और इसको करें तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, अभी कमेंट करके बताओ सारे बच्चे कि स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में आप लोग क्या बोलेंगे। चलो यहाँ तक दोबारा बता देती हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया, लाइव सेशन नीचे चल रहा, वरना तो साथ के साथ पूछने की आदत है, कोई बात नहीं दोबारा देख लो। 2 टाइप होते हैं डाइस के, एक आपका सिंपल डाइस, एक आपका स्टैंडर्ड डाइस। पहचान कैसे करेंगे आप लोग, है ना सम करके देख लेना, अगर आपका सम जैसे अब यहाँ देखो 3 और 4 7 होता है ना, आपको एडजेसेंट फेस का जोड़ 7 मिल गया, इसका मतलब ये साधारण डाइस है, सिंपल डाइस है। यहाँ पे आपको 7 जोड़ नहीं मिला, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। यहाँ तक नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे, जल्दी करो। ठीक है भाई, मिटा दूं, चलो उसके बाद क्या है, मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, पहचान करना सिखा रही हूँ पहले कि पहचानेंगे कैसे कि कौन सा डाइस क्या है। मैंने आप लोगों से पूछा ये डाइस बनाया भाई, मैंने बनाया ये वाला 2, 5, 4, 2, 5, 4, ये कौन सा डाइस है, तो आप लोग कहेंगे मैम 5 और 2 7, एडजेसेंट साइड का जोड़ 7 मिल गया ना, इसका मतलब मैम ये सिंपल डाइस है। क्या है ये मैम, ये सिंपल डाइस है। ओके, फिर मैंने आप लोगों के सामने बनाया 5, 3, 1,
तो आप क्या कहेंगे कौन सा डाई चाहिए? तो आप लोगों ने देखा मैम, 5 और 3 7 नहीं होता, 3 और 1 7 नहीं होता, 5 और 1 7 नहीं होता, किसी भी एडजेसेंट साइड का जोड़ 7 नहीं है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है ये? स्टैंडर्ड डाइस है। समझ आया? एक सम और करवाती हूँ। मैंने बोला आपके सामने 1 6 5 ये कौन सा डाइस है? तो आप लोग कहेंगे मैम 6 और 1 7 होता है, एडजेसेंट साइड का जोड़ 7 मिल गया, इसका मतलब मैम ये सिंपल डाइस है। क्या है ये? सिंपल डाइस। समझ आया? अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है होमवर्क, जो कि आप अभी के अभी कमेंट बॉक्स में करो। आप लोग इसका आंसर दो कि ये कौन सा डाइस है, 4 2 और 3 ये कौन सा डाइस है, सिंपल है या स्टैंडर्ड है? अभी के अभी बताएंगे सिंपल है या स्टैंडर्ड है, उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट कंसेप्ट बता दूं। फर्स्ट में हमने ये सीखा था कि डाइस किसको बोलते हैं, कितने फेसेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने एज होते हैं। सेकंड कंसेप्ट में हमने ये सीखा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइस, तो डाइस के कितने टाइप होते हैं। आप लोग बोलेंगे मैम 2 टाइप होते हैं, सिंपल डाइस स्टैंडर्ड डाइस। सिंपल डाइस की क्या पहचान थी? एजेस का जोड़ आपको 7 मिलेगा। स्टैंडर्ड डाइस की क्या पहचान थी? अपोजिट फेस का जोड़ 7 मिलेगा। समझ गए? अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, कंसेप्ट नंबर 3 डालिए सारे बच्चे। जब आपको एक डाइस गिवन हो और एग्जामिनर आप लोगों से अपोजिट डिजिट पूछ ले, अपोजिट फेस पूछ ले, और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही डाइस दे रखा है, तो इधर आ जाओ। आपको दे दिया 1 2 4 4 नहीं दिया, मान लो 5 दे दिया, 1 2 5। पहले क्या करना है, इसमें आप लोगों से 2 का अपोजिट पूछ लिया। क्या पूछ लिया इसमें आप लोगों से? 2 का अपोजिट पूछ लिया। तो कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को? सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप नोट करेंगे सारे बच्चे, आपको डाइस पहचानना है। क्या करना है? डाइस पहचानना है। ओके, फर्स्ट स्टेप है आपका डाइस पहचानने का। तो डाइस पहचानो ये कौन सा है, सिंपल है या स्टैंडर्ड है। तो आप कहेंगे मैम 5 और 2 कितना होता है? तो आप कहेंगे 5 और 2 7 होता है। मैम ये एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड का जोड़ 7 है, इसका मतलब ये सिंपल है। कौन सा डाइस है? ये सिंपल डाइस है। पहला स्टेप तो था आपका ये। अभी क्या होता है, सिंपल डाइस के अंदर आप एग्जैक्ट अपोजिट नहीं बता सकते। समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? सिंपल डाइस के अंदर आप लोग एग्जैक्ट अपोजिट नहीं बता सकते। हमें ये पता है बस क्या, कि 2 के साथ है ना 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 1 इसका अपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट चीजें तो साथ दिखती ही नहीं। ठीक है, 2 के साथ 5 भी दिख रहा है, तो 2 का अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट चीजें तो साथ दिखती ही नहीं। अब बचा क्या, क्या क्या डिजिट बचे हमारे पास? आप लोग बोलेंगे मैम 3 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है। तो आंसर पता है किसमें आएगा? या में आएगा। क्या? या तो 3 अपोजिट है, या तो 4 अपोजिट है, या तो 6 अपोजिट है। अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपसे 2 का अपोजिट पूछ ले, तो आप या में आंसर देंगे। समझ आ गया? इसी क्वेश्चन में आप लोगों से 5 का अपोजिट पूछ ले, तो 5 का पूछ ले तो भी कहेंगे 5 के साथ 2 दिख रहा है, 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 के साथ 1 दिख रहा है, 1 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? तो आप कहेंगे फिर से वही बचे मैम 3 4 और 6, तो 5 का अपोजिट भी क्या हो जाएगा, 3 4 6। आसान था। अब एग्जामिनर आप लोगों से 1 का अपोजिट पूछ ले कि 1 का अपोजिट बताइए, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि 1 के साथ 2 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, ये तो हो नहीं सकते। बचा क्या? वही 3 4 और 6, 3 4 या 6। ये कंडीशन, ये हमारा आंसर, ये हमारा सॉल्यूशन तब है जब आपको सिंपल डाइस मिले। क्या मिले? सिंपल डाइस। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, एक ही डाइस मिलेगा जब तुम्हें। देखो तुम्हारे सामने है 2 1 2, मत लिखो यहाँ पे, लिखो 3 1 और 4। इस टाइप से आपको डाइस दिया फर्स्ट स्टेप, और पूछा है आपसे कि 1 का अपोजिट बता दीजिए। फर्स्ट स्टेप डाइस पहचानो जल्दी जल्दी कौन सा है, तो आप कहेंगे मैम 3 और 4 7 होता है, एडजेसेंट साइड का जोड़ 7 है, इसका मतलब मैम ये सिंपल डाइस है।
सिंपल डाइस है तो एग्जैक्ट अपोजिट हम बता ही नहीं सकते। हमारा आंसर किस में जाएगा, या में जाएगा। तो या में जाएगा तो फिर आंसर क्या आना चाहिए, आप कहेंगे वन के साथ थ्री दिखाई दे रहा है, थ्री अपोजिट नहीं हो सकता, फोर दिखाई दे रहा है, फोर अपोजिट नहीं हो सकता, बचा क्या हमारे पास, दो पांच और छह, या तो दो आंसर है या तो पांच है या तो छह है। सेम काम इसके साथ होएगा, या तो दो है या तो पांच है या तो छह है। सेम काम इसके साथ होएगा, या तो दो है या तो पांच है या तो छह है। अब समझ आया, सिंपल डाइस। ओके, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रही हूं मैं, उसके बाद स्टैंडर्ड डाइस पे चलेंगे। एक क्वेश्चन लिखा मैंने तुम्हारे लिए, मैंने बोल दिया थ्री, मैंने बोल दिया टू, मैंने बोल दिया फाइव, ऐसे बोल दिया मैंने थ्री टू एंड फाइव। ओके, मैंने आप लोगों से टू का अपोजिट पूछ लिया, फाइव का अपोजिट पूछ लिया, थ्री का अपोजिट पूछ लिया। ये चीजें आप लोग अभी के अभी कमेंट बॉक्स में बता दो, करो कमेंट जल्दी। ओके, चलो अभी बात करेंगे दूसरी टाइप के डाइस की, जब आपको क्या दिया हो, स्टैंडर्ड डाइस। और है ना, एक बात और, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि भैया स्टैंडर्ड डाइस दिया तो हम ये टाइप कर रहे हैं। एग्जामिनर तुम्हें नहीं बताएगा कि ये मैं सिंपल डाइस दे रहा हूँ या स्टैंडर्ड डाइस दे रहा हूँ, एग्जामिनर नहीं बताएगा, पहचानना तुम्हें पड़ेगा, समझ गए। अभी हमारा तो कंसेप्ट ये चल रहा है तो तुम्हें पता है कि मैम जो डाइस देगी वो स्टैंडर्ड ही देगी, बट एग्जामिनर ये चीज नहीं बताएगा तुम्हें। ओके, तो मैंने दिया तुम्हारे सामने वन टू थ्री, वन टू और थ्री, ये सबसे आसान डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस सबसे आसान होता है। कैसे, इसमें क्या है तुम्हारा, पहले चेक करो, आपको पता ही नहीं है स्टैंडर्ड है, भूल जाओ इसको, भूलो इसको, चेक करो क्या एक और दो तीन सात होता है, दो और तीन सात होता है, तीन और एक सात होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब एडजेसेंट का जोड़ सात नहीं है तो अपोजिट फेस का जोड़ सात है, स्टैंडर्ड डाइस है ना, ये स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेस का जोड़ सात होता है। अब एग्जामिनर आपसे दो का पूछ लेगा तो सात जोड़ कैसे बैठ सकता है जब मैं इसको सात में से माइनस कर दूं, तो आंसर आ जाएगा पांच। तीन का अपोजिट पूछ लेगा तो सात में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा चार। एक का अपोजिट पूछ लेगा तो सात में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा छह। समझ आया? ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। मान लो आपके सामने दे दिया छह पांच चार, ये नहीं पता, भूल जाओ इसको, छह और पांच सात होते हैं नहीं होते, पांच और चार सात होते हैं नहीं होते, छह और चार सात होते हैं नहीं होते। अगर एडजेसेंट साइड का जोड़ सात नहीं है इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है ये? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेस का जोड़ सात होता है, तो पांच का अपोजिट पूछ लिया इसने, सात में से माइनस करके बता दो, चार का अपोजिट पूछ लिया इसने, सात में से माइनस करके बता दो, छह का अपोजिट पूछ लिया इसने, सात में से माइनस करके बता दो। आसान था ना, है ना? सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, पहले पहचानना है, और पहचानना कोई मुश्किल नहीं है, एक सेकंड का काम था। फिर हमें क्या कर देना, स्टैंडर्ड में तो आंसर एग्जैक्ट आ जाएंगे और सिंपल में आंसर या में जाएंगे, समझ गए। अभी यहां तक समझ आया तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है इस, और ये फोर्थ क्वेश्चन आपका कमेंट है ना, फोर्थ क्वेश्चन है ये आपके लिए, बताओ इसका आंसर। मैंने बोला आपके सामने एक, मैंने बोला आपके सामने पांच, मैंने बोला आपके सामने तीन, तो मेरे को एक का भी अपोजिट बता दो इसमें, पांच का अपोजिट बता दो और तीन का अपोजिट बता दो, ये अभी की अभी बताओ सारे बच्चे, फिर मैं आपको कंपेयर करके एक बार बता दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो भाई कंपेयर करके पढ़ लेते हैं एक बार। यहां पे दिया दो पांच चार, यहां पे दिया एक दो चार, क्लियर। पहला स्टेप दोनों का सेम, पहचानो ये सिंपल है ये स्टैंडर्ड है। पांच और दो कितना होता है सात, इसका मतलब ये सिंपल डाइस है मैम। उधर ना ये सात ना ये सात ना ये सात, अब ये काम मत कर देना, कई बच्चे करते हैं, सुन लो ध्यान से, कहीं कह दो मैम चार और दो छह, छह और एक सात, मैम जोड़ सात हो गया। तीनों का साथ नहीं होना चाहिए, दो साइड का जोड़ सात होना चाहिए, कि
किसका? दो साइड का। तो किसी भी दो साइड का जोड़ सात नहीं है, इसका मतलब ये है स्टैंडर्ड। क्या है ये? स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे देखा तुमने सिंपल में तो आंसर किस में जाता है? या में। दो का अपोजिट पूछ लिया, क्या नहीं दिखाई दे रहा हमें? एक नहीं दिख रहा, तीन नहीं दिख रहा, छह नहीं दिख रहा, तो क्या आ जाएगा? एक या तीन या छह आंसर है अपना। चार का पूछ लिया, सेम आंसर देंगे, एक तीन या छह आंसर है। पांच का पूछ लिया, सेम आंसर देंगे, एक तीन या छह। क्लियर? उस वाले में क्या है, हमें पता चला था ये स्टैंडर्ड है, तो एक का अपोजिट सात में से माइनस किया, दो का अपोजिट सात में से माइनस किया, चार का अपोजिट सात में से माइनस किया, तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आसान था ना? यहां तक चीजें बिल्कुल आसान चल रही है। तीन कंसेप्ट हो चुके हैं हमारे। पहले कंसेप्ट में हमने क्या सीखा था? डाइस के नंबर ऑफ फेसेस छह होते हैं, वर्टिसेस आठ होते हैं, एजेस बारह होते हैं, ये सीख लिया था हमने। सेकंड में हमने क्या सीखा था? अपोजिट सीखा था। अपोजिट में क्या सीखा था? अपोजिट फेसेस कभी साथ में नहीं दिखते। ठीक है, तीसरे में हमने क्या सीखा? जब आप लोगों को एक डाइस गिवन हो तो आप लोग कैसे आंसर देंगे। ओके, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। कंसेप्ट नंबर फोर डाल लो सारे बच्चे, और कंसेप्ट नंबर फोर रहेगा जब आपको दो डाइस गिवन हो। कितने डाइस दे रहा आपकी बार एग्जामिनर आपको? दो डाइस दे रहा एग्जामिनर। कितने डाइस दे रहा है? दो। तो कंसेप्ट नंबर फोर लिखो, व्हेन टू डाइस आर गिवन, जब आपको दो डाइस दिए हो तो आप लोग कैसे सोल्व करेंगे? अब क्या करेगा एग्जामिनर? यहां देख लो भाई, मैं डाइस ही बना देती हूँ आपके सामने। एक ये है, ड्राइंग पे मत जाना कोई भी बच्चा। ओके, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है मेरी। चलो, दो डाइस देगा वो आप लोगों को, और है ना यहाँ पे नंबर डाल के देगा। मान लो टू फाइव फोर, टू थ्री सिक्स, इस टाइप से। और इस कंसेप्ट की है ना दो टाइप है आपकी। क्या? दो टाइप है, तो दोनों टाइप लिख लो। पहली टाइप है व्हेन कॉमन नंबर ऑन सेम साइड, और सेकेंड टाइप है तुम्हारी व्हेन कॉमन नंबर ऑन डिफरेंट साइड। ठीक है, डाइस तुम्हारे सामने दो ही हैं, और क्या क्या टाइप है तुम्हारी? एक बार तो एग्जामिनर ये बोल रहा है कि भी कॉमन नंबर आपका एक ही उस पे है, और एक बार बोल रहा है कॉमन नंबर अलग अलग साइड पे है। ठीक है, तो इस केस में कॉमन नंबर क्या है आप लोगों का? आप कहेंगे मैम दो है, दो कॉमन नंबर है ना। कॉमन का मतलब जो दोनों में आ रहा है, पांच इसमें है उसमें नहीं है, चार इसमें है उसमें नहीं है, तीन इसमें है इसमें नहीं है, छह इसमें है इसमें नहीं है। दो एक ऐसा नंबर है जो दोनों डाइस में आ रहा है, ये कॉमन नंबर है। क्लियर? क्लियर। फिर क्या करना है आप लोगों ने यहाँ पे, और सेम साइड पे, सेम साइड का मतलब फ्रंट वाले केस पे हमें दो दिखाई दे रहा है, और फ्रंट वाले पे हमें दो दिखाई दे रहा है, सेम पे है। तो जो सेम सेम नंबर होंगे ना, जैसे ऊपर है फाइव, तो इसमें ऊपर क्या है? थ्री। तो फाइव का अपोजिट हमेशा क्या मिलेगा? मतलब हमेशा नहीं, जैसे यहाँ पे ऊपर फाइव था तो उधर ऊपर थ्री है, तो यहाँ पे फाइव का अपोजिट क्या हो जाएगा? थ्री। राइट साइड में फोर है, राइट साइड में सिक्स है, तो फोर का अपोजिट क्या हो जाएगा? सिक्स। ठीक है, अभी टू का अपोजिट निकालना है हमें। टू का अपोजिट कैसे निकलेगा? फ्रंट पे है ना टू, इधर भी टू, अब टू का अपोजिट टू, क्या आप ऐसे बोलेंगे? नहीं, ऐसे नहीं बोलना, टू का अपोजिट टू नहीं है। अब एक बात और नोट कर लो सारे बच्चे, जो कॉमन नंबर होता है ना आपका, कॉमन नंबर का अपोजिट हिडन नंबर होता है। ये बात सारे बच्चे नोट करेंगे कि जो कॉमन नंबर होता है उसका अपोजिट हमेशा हिडन नंबर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या नहीं दिखा, हमारा खेल एक से छह तक का था। क्या था? एक से छह तक का था, हमें एक ही नहीं दिख रहा,
मतलब एक छिपा हुआ है, एक हिडन नंबर है, तो दो का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, है ना। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे। आपको दे दिया 3, 4, 5, 3, 2, 6, यहाँ पे आपने वो नहीं पहचाना, सिंपल और स्टैंडर्ड मत देखियो। अब यहाँ पे सिंपल और स्टैंडर्ड तभी देखना था जब एक डाइस गिवन था आपको, समझ गए, सिंपल और स्टैंडर्ड तब देखना था जब एक डाइस गिवन था। बट ये टाइप कौन सी चल रही है हमारी, जब कॉमन नंबर हो, एक कॉमन नंबर हो और सेम साइड पे। अभी यहाँ देखो दोनों में कॉमन नंबर क्या दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे मैम 3 दिख रहा है और सेम साइड पे दिख रहा है मैम, इधर भी ऐसे ही 3 था, उधर भी ऐसे ही है 3। अब सेम साइड वाले सेम साइड के अपोजिट होंगे, 4 उधर दिखाई दे रहे हैं तो उधर 2 दिखाई दे रहे हैं, 4 का अपोजिट हो जाएगा 2, 5 नीचे दिखाई दे रहा है, 6 नीचे दिखाई दे रहा है, 5 का अपोजिट हो जाएगा 6, और 3 तो दोनों में कॉमन है, कॉमन नंबर का अपोजिट हमेशा हिडन नंबर होता है, तो क्या नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें, आप लोग बोल लेंगे अब फिर से 1 नहीं दिखाई दे रहा मैम, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आसान था, एक क्वेश्चन और करते हैं। तुम्हारे ये जो जितने भी चैप्टर है ना, जितने भी चैप्टर, रियल बता रही हूँ, अगर आप डेली क्लास देखेंगे ना तो सारी की सारी रीजनिंग आपको यही यूट्यूब पे हो जाएगी, सारी की सारी रीजनिंग, समझ आया। रीजनिंग का कंप्लीट होते ही हम लोग जीके वाली सीरीज अपनी चली हुई है, है ना, रीजनिंग का कंप्लीट होते ही हिंदी वाला पोर्शन उठाएंगे, हिंदी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इंग्लिश वाला पोर्शन इंग्लिश को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, पर्टिकुलर जो टीचर होता है ना कोई किसी सब्जेक्ट का, वो अपने सब्जेक्ट का बताता है, बाकी सब्जेक्ट चाहे बाहर में जाओ, है ना। लेकिन मैं आप लोगों के जैसी तो हूं, मैं भी तो तैयारी कर रही हूँ एग्जाम की, तो मुझे भी तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो सारे सब्जेक्ट हम लोग साथ में मिलके पढ़ेंगे, ऐसे समझ आया सभी बच्चों को। बस इतना सा है, सारे बच्चे सपोर्ट करेंगे, क्लास को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दिया करो भाई, समझ गए, क्योंकि ऐसे तो फिर मेरा मन भी नहीं करेगा पढ़ाने का, इतना तो आपको भी पता है। बिना वो कहावत नहीं सुनी है, बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो कुछ तो बदले में आप भी दोगे ना मुझे, क्लियर। तो अभी देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा ऐसा हम लोग, मैंने बोला आपके सामने 3, 5, 1, 3, 2, 4, अभी कॉमन नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 3, सेम साइड पे है, उधर 3, उधर 3, नीचे क्या है 2, 2 का अपोजिट 5, इधर क्या है 4, सॉरी 1, 1 का अपोजिट 4, कॉमन नंबर क्या था 3, हिडन नंबर क्या है इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है मैम हिडन नंबर, अपोजिट हो जाएगा 6। आसान था। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप करेंगे, मैंने बोला 5, 1, 3, 5, 2, 6, यहाँ पे आप लोग मेरे को 6 का अपोजिट बता देना भाई, बस इस क्वेश्चन में मेरे को 6 का अपोजिट बता दो, अभी कमेंट कर दो सारे बच्चे, और आज वाली क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं, ठीक है। आपके 4 कंसेप्ट हो चुके हैं, 4 कंसेप्ट हो चुके हैं इनसे रिलेटेड। और एक बात बता दूं आप लोगों को, ये जो हमने टाइप की है ना, ये टाइप एग्जामिनर की फेवरेट टाइप है, और खासकर इसके आगे वाली जो कि डिफरेंट साइड पे होता है, चलो कर ही लेते हैं वो, छोड़ो नहीं करते क्लास को ओवर, ये टाइप तो कंप्लीट करेंगे। चलो अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, कॉमन नंबर तो अब भी मिलेगा बट अब डिफरेंट साइड पे मिलेगा, देखना 4, 3, 2, 4, 5, 6 करें इसको सोल्व, और इस वाले टाइप पे स्टार लगा लो सारे बच्चे, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में ये टाइप देखने को मिलती है। पहला स्टेप, कॉमन नंबर छाटिए, आप कहेंगे मैम 4 है कॉमन नंबर, क्या है कॉमन नंबर 4। अब आप ये देखेंगे कि मैम 4 इसमें तो लेफ्ट साइड पे है, उसमें राइट साइड पे है, तो तभी तो टाइप का नाम है ना वेन कॉमन नंबर ऑन डिफरेंट साइड, डिफरेंट डिफरेंट साइड्स पे है। अभी क्या करना है, सभी बच्चों ने घड़ी देखी है, घड़ी की सुई देखी है, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, टिक 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 ऐसे घूमती है ना, हाँ, तो इसमें है ना क्लॉकवाइज घुमाना है हमें, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं बट ज्यादा लफड़े में पड़ो ही मत, क्लॉकवाइज घुमाना है हमें, कहां से, कॉमन नंबर से,
कहां से? कॉमन नंबर से। फोर कॉमन नंबर था, क्लॉकवाइज घुमाया, क्या आया? थ्री। इधर से फोर कॉमन नंबर था, क्लॉकवाइज घुमाया, क्या आया? फाइव। इसका मतलब थ्री का अपोजिट क्या है? फाइव। इधर आ जाइए, दोबारा सुई चली, क्या आया? टू। इसमें दोबारा सुई चली, क्या आया? सिक्स। दो का अपोजिट क्या है? सिक्स। फिर से वही बात, फोर है, फोर तो हमारा कॉमन नंबर था, कॉमन नंबर का अपोजिट हमेशा हिडन नंबर होता है, क्या नहीं दिखाई दे रहा? वन। तो इसका आंसर आ जाएगा वन। समझ आया? अलग अलग साइड पे हो तो हमें क्लॉकवाइज चलाना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे। मैंने बोला टू थ्री फोर, थ्री फाइव सिक्स, फटाफट से कॉमन नंबर छाटो, आप कहेंगे मैम थ्री। क्लॉकवाइज चलो, इधर से आया टू, क्लॉकवाइज चलो, इधर से आया फाइव, टू का अपोजिट फाइव। फिर से क्लॉकवाइज चले फोर, इधर से चले सिक्स, फोर का अपोजिट सिक्स। थ्री क्या था? कॉमन नंबर। हिडन नंबर क्या है? वन। आसान था, है ना? आसान था। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये टाइप भी हो चुकी है अब आप लोगों की, ये भी हो चुकी है, कंसेप्ट नंबर फिफ्थ वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। मैंने बोला है थ्री वन टू फोर फाइव वन, इसके अंदर मेरे को फोर का अपोजिट बता देंगे सारे बच्चे, फोर का अपोजिट बता देंगे, आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सारे बच्चे, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना भाई क्लास को। डेली हम लोग ऐसे ही थ्योरी वाइज अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इससे आगे का पोर्शन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और एक और बात, आप लोगों को जो चैप्टर मुश्किल लगे ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, वही चैप्टर पहले करेंगे हम क्लास। क्लियर? अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर किया करो, और कमेंट करके जरूर बताया करो आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक करना है रीजनिंग का, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ताकि इसके बाद हम लोग वही टॉपिक करें। तो हमारा डाइस वाला टॉपिक चला हुआ है, जिसका सेकंड पार्ट करेंगे आज हम लोग, है ना? डाइस वाले का सेकंड पार्ट। मैं एक बार रिकैप थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। पहली वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, मैंने इसके फेसेस बताए थे आप लोगों को। डाइस के फेस होते हैं आपके नो, नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं आपके आठ, और नंबर ऑफ एजेस होते हैं आप लोगों के बारह। ये सारी चीजें हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया था, डाइस के टाइप बताए थे आप लोगों को। डाइस के टाइप दो टाइप होते हैं आप लोगों के, एक तो होता है आपका सिंपल डाइस, जिसको आप लोग साधारण पासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण पासा। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था स्टैंडर्ड डाइस। क्या बताया था? स्टैंडर्ड डाइस, जिसको आप लोग मानक पासा बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, डाइस की टाइप की थी, क्या की थी? जब आपको वन डाइस गिवन हो, फर्स्ट कंसेप्ट हमारा ये था, जब आप लोगों को वन डाइस गिवन हो तो आप कैसे अपोजिट नंबर बताएंगे। और दूसरी टाइप हम लोगों ने की थी, जब आपके सामने टू डाइस गिवन हो, क्या हो? यानी एक ही डाइस के दो तरफ से दो पोजीशन गिवन हो आपको, समझ के, दो साइड्स आप लोगों को गिवन हो, दो पोजीशन आपको गिवन हो, तो वहां पे आप लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। और इसके अंदर भी हम लोगों ने दो टाइप की थी, एक तो क्या, जब कॉमन नंबर ऑन सेम साइड, ये वाली टाइप थी हमारी। दूसरी थी कॉमन नंबर ऑन डिफरेंट साइड, दूसरी टाइप हमारी ये थी। तो इतना हम लोग कर चुके हैं, है ना? उसके बाद अब आगे देखिए, इतना तो आपका क्लियर है इससे पीछे वाली क्लास के अंदर। अगर वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस क्लास का लिंक भी मिला हुआ है, आप वहां पे जाके क्लास को देख सकते हैं। तो मैं ये इरेज कर दूं, मैं मान के चल रही हूं कि आप लोगों को ये चीजें आती हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि डाइस के तो दो ही पोजीशन आपको गिवन है। पहले वाले में हमने पढ़ा था कॉमन नंबर आपको दे रखा है, लेकिन अब वाले में हम पढ़ेंगे अगर कॉमन नंबर न हो हमारे पास तो कैसे करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, क्या डालेंगे? जब डाइस की दो पोजीशन गिवन है,
और कोई भी कॉमन डिजिट न हो तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन भी दो तरीके से सोल्व होएगा। जैसे हम लोगों ने ये नहीं किया था जब आपको एक डाइस गिवन था, है ना, एक डाइस गिवन था तो आप लोगों ने क्या किया था, पहले पहचाना था कि ये सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस। सेम चीज यहाँ पे करनी है। आप लोगों को डाइस दे दिया एग्जामिनर ने 1 2 3 और इधर दे दिया 4 5 6। यहाँ पे पूछ लिया कि हमें 2 का अपोजिट बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे, कॉमन नंबर नहीं है आपके पास, है ना, नहीं है तो कैसे सोल्व करेंगे। इसमें क्या करना है, आप एक बार पहचानो कि ये डाइस कौन सा दे रखा है, उठा लो एक डाइस। ये डाइस उठाया आपने, क्या इसमें किसी भी एडजेसेंट साइड का जोड़ आपका 7 बैठा है? 3 2 5 2 1 3 नहीं बैठा, 5 और 4 9, 4 और 6 10 नहीं बैठा। अगर एडजेसेंट साइड का जोड़ 7 नहीं है, इसका मतलब अपोजिट का 7 है ना, यानी ये हमें पता लग गया यहां से कि एडजेसेंट का जोड़ 7 नहीं है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है ये? स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में फिर से हमारी वही चीजें निकल के आएंगी कि अपोजिट डिजिट का नंबर, अपोजिट फेस का हमेशा जो उल्टा होता है वो क्या आएगा आपका फेस का उल्टा, जिसका 7 में से माइनस करके बताएंगे, है ना। तो 2 का अपोजिट पूछा इसने, 7 में से माइनस करके बताओगे 2 का अपोजिट आ जाएगा 5। अगर 3 का अपोजिट पूछ ले तो 7 में से माइनस करके बताओगे 3 का अपोजिट आ जाएगा 4। अगर 1 का अपोजिट पूछ ले तो 7 में से माइनस करके बताओगे और इसका अपोजिट आ जाएगा आप लोगों का 6। इतना समझ आया? ओके, ये साइड यहाँ पे क्या दे रखा था आपको, पहला स्टेप आपको पहचानना है कि ये डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड है या सिंपल है। तो आपने देख के पहचान लिया कि ये तो स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहा है। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहा है तो हमारा अपोजिट हमेशा, अपोजिट का जो जोड़ है वो हमेशा क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। एक सेकेंड के लिए मैं इसको इरेज कर रही हूं, आप नोट करो, ठीक है। चलो अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, मान लो ये बोल दिया 4 3 2 और इधर बोल दिया 1 5 6। अब आपने देखा कॉमन नंबर तो अब भी नहीं है, नहीं है ना कॉमन नंबर, कॉमन नंबर तो अब भी नहीं है। लेकिन अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे जोड़ हमारा 7 बैठ रहा है, यहाँ पे जोड़ हमारा 7 बैठ रहा है, इसका मतलब ये डाइस सिंपल। क्या है डाइस? सिंपल। इस वाले केस में क्या करोगे, जोन से चीज जहां दिखाई दे रही है ना वो उसी साइड वाले का अपोजिट है। जैसे कि यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है ना, तो 4 का अपोजिट इधर क्या है, 1। राइट साइड में 3 दिखाई दे रहा है ना, तो राइट साइड में क्या है, 5। नीचे क्या दिखाई दे रहा है, 2, तो नीचे क्या है, 6। ये सारी चीजें एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी, यहाँ पे जोड़ 7 नहीं बैठेगा आपका। 4 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 1। 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 5। 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 6। क्यों आया ये चीज, क्योंकि ये हमारा सिंपल डाइस था, स्टैंडर्ड डाइस नहीं था, समझ गए, स्टैंडर्ड डाइस नहीं था। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, मैं क्वेश्चन दे रही हूं और इसका आंसर आप लोग पक्का बताएंगे। मैंने बोला आपके सामने 2 3 6 और इधर दे दिया 1 4 और 5। इसके अंदर मेरे को 5 का अपोजिट बता दो, इसके अंदर मेरे को 5 का अपोजिट बता दीजिए जल्दी। ये तो है आप लोगों के लिए होमवर्क। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार कंपेयर करवा दे रही हूँ इन्हीं दोनों को, क्योंकि शायद आप लोगों के माइंड में अभी फिट नहीं बैठती है बातें, और करवाती हूँ मैं एक दो क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, अगर आपके सामने दे दिया 4 5 और 1, इधर दे दिया 6 3 और 2, तो आपने क्या देखा, जोड़ 7 नहीं है, जोड़ 7 नहीं है, जोड़ 7 नहीं है, इधर भी 7 नहीं है, इधर भी 7 नहीं है, इधर भी 7 नहीं है। इसका मतलब ये है एक सिंपल डाइस। क्या है ये? एक सिंपल डाइस। जोन से चीजें जहां दिखाई दे रही है वो उसका अपोजिट है। इधर 4, इधर 6, 4 का अपोजिट 6, नीचे 1, नीचे 3, 1 का अपोजिट 3, राइट में 5, राइट में 2, 5 का अपोजिट 2। ये क्लियर? उसके बाद इधर आ जाइए, मैंने आपके सामने बोला, मैंने बोल दिया भाई
एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हम लोगों ने, एक सेकेंड, ये आपका सिंपल डाइस नहीं था, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस था। क्या था ये आपका? स्टैंडर्ड डाइस था, स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि पांच और चार किसी का जोड़ साथ नहीं बैठ रहा, साथ नहीं बैठ रहा तो अपोजिट का साथ बैठेगा। यहाँ पे फिर चार का अपोजिट आपका तीन आएगा, पांच का अपोजिट दो आएगा, एक का अपोजिट छह आएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस था, सिंपल डाइस नहीं था। इधर आ जाओ, चार तीन दो एक छ पांच, इस वाले केस में चार का अपोजिट, दो का अपोजिट और तीन का अपोजिट सीखेंगे हम लोग। चेक करो फिर एक बार, चार और तीन सात होता है ना, सात होता है ना, एडजेसेंट साइड का जोड़ सात है, इसका मतलब ये सिंपल डाइस है। अब अगर ये सिंपल डाइस है तो इधर वाले का इधर वाला, चार का अपोजिट एक, दो का अपोजिट छ, तीन का अपोजिट पांच। ये चीजें समझ में आई? ओके ठीक है, तो अभी देखो एक बार सारे बच्चे, यहां तक चीजें क्लियर हैं? चलो, हम लोगों ने कौन कौन सी टाइप की आप लोगों की, ये तो थे आपके सामने जब ओपन डाइस दे रखा, वो डाइस दे रखा था सिंपल डाइस, किसी भी डाइस के पहलू दे रखे थे किसी भी डाइस के। अब नेक्स्ट क्या आती है आप लोगों की? ओपन डाइस आएगा। क्या आएगा नेक्स्ट आप लोगों का? ओपन डाइस। इसकी थ्योरी मैं करवाती हूँ आप लोगों को अभी, और इसके क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? देखिए भाई, ओपन डाइस में क्या है, एग्जामिनर आपको यूं करके कुछ डाइस देगा खोल के, क्या करके? खोल के देगा, खोल के, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छह, हो गए ना छह? मैंने लिख दिया एक दो तीन चार पांच छह। इसके अंदर वो क्या पूछेगा? इसके अंदर वो पूछेगा कि हमें दो का अपोजिट बता दीजिए। तो इसमें क्या करना है, ना कोई रूल आपने याद करना, कुछ भी नहीं याद करना, एक चीज हमेशा याद रखो, एक छोड़ के एक अपोजिट लिखना है। क्या बताया मैंने? एक छोड़ के एक अपोजिट लिखना है। यहां पे एक, तो एक छोड़ दिया, क्या आ गया? तीन। एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? तीन। एक छोड़ के करना है। दो लिया हमने, इसको छोड़ दिया, इसको ले लिया, दो का अपोजिट क्या हो जाएगा? चार। एक छोड़ के एक। अब ये देखो, हमारे ऑटोमेटिकली हमारे क्या बचेंगे? एक छोड़ के एक ही बचेगा। तो ये सारे अपने अपोजिट आ गए, एक का अपोजिट तीन, दो का अपोजिट चार, पांच का अपोजिट छह। ऐसे आप यहां से अपोजिट निकाल सकते हो, ओपन डाइस अगर आपको दिया है तो। ओपन डाइस तो डाइस की सबसे इजी टाइप है, सबसे इजी रियल में। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, यहां पे देखिए, मान लो इस तरीके से आपको डाइस दे दिया, ये दे दिया भाई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे करके दे दिया। आपसे फोर का अपोजिट पूछ लिया, क्या पूछ लिया? फोर का अपोजिट। मेरे वाली बात ध्यान रखनी है, एक छोड़ के एक, यहां से उठा लो, यहां से सीधी लाइन उठानी है हमेशा। दो को उठाया मैंने तो एक छोड़ के एक, तीन पे जाना है। चार को उठाया मैंने एक छोड़ के एक, छह पे जाना है। अब ये जो दो बचे ना, ये एक दूसरे के अपोजिट है, समझ आया? दो का अपोजिट तीन, चार का अपोजिट छह, ओके, और एक का अपोजिट पांच। इस तरीके से आपने क्या करना है? सोल्व करना है क्वेश्चन को, समझ आया? अभी एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर वाली लैंग्वेज बताती हूं मैं तुम्हें, वो क्या करता है, वो किस तरीके से क्वेश्चन देगा। जैसे मैंने यहां पे क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, ये लिख दिया भाई। अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है। कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे दिया, एक दो तीन चार पांच छ, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया। फिर क्या बोल देगा आपको? ऑप्शन देगा, आपको ऑप्शन देगा एग्जामिनर कि इसमें से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, इस डाइस को देख के कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। तो मैं ऑप्शन दे दूं आपके सामने, मैंने बोल दिया कि भाई तीन दो छह, फिर मैंने आपके सामने बोल दिया दो छह चार, फिर मैंने आपके सामने बोल दिया पांच चार छह, फिर मैंने आपके सामने बोल दिया चार एक पांच। तो इनमें से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, आप लोग कैसे आंसर देंगे? पता है क्या करना है, पहले अपना अपोजिट निकालो। और एक बात मैंने आप लोगों को इसे पहले वाली क्लास में भी बोली थी कि अपोजिट डिजिट कभी भी साथ में नहीं दिखते,
समझ आया? अपोजिट डिजिट कभी भी साथ में नहीं दिखते, अप दिख रहा है तो डाउन नहीं दिखेगा, लेफ्ट में देख रहे हैं तो राइट में नहीं दिखेगा, आगे देख रहे हैं तो पीछे नहीं दिखेगा, कोई भी अपोजिट डिजिट है वो साथ में नहीं दिखते, याद रखना इस बात को। पहले हम लोग अपोजिट निकाल लेंगे, 3 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट इधर से 1 का अपोजिट 5, हो गया हमारा, ठीक है। अभी क्या करना है, ऑप्शन उठाओ, 3 2 6 इधर आ जाओ, 3 2 और 6, 3 और 6 तो सेम फैमिली में से है ना, 3 और 6 तो एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो 3 और 6 साथ में कैसे दिख सकते हैं, 3 और 6 तो आपने अपोजिट बता दिया, तो 3 और 6 साथ में कैसे दिख सकते हैं, ये ऑप्शन तो नहीं बन सकता। 2 4 6 पे आ जाओ, 2 4 6, 2 और 4, 2 और 4 तो अपोजिट है ना भाई, 2 और 4 तो क्या है आप लोगों के अपोजिट, ठीक है, ठीक है भाई, 2 और 4 तो है आपके अपोजिट, तो फिर ये साथ में कैसे दिख सकते हैं, ये भी कैंसिल हो गया, इधर आ जाओ, 5 4 6, 5 4 6, ये तीनों अलग अलग है, इनमें से आपस में कोई एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तीनों ही अलग अलग हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यही 5 4 6। नीचे फिर 1 5 4, 1 5 4, ये भी नहीं बन सकता क्योंकि 1 और 5 भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समझ आया? अगर आपको ओपन डाइस दिया है तो आप लोग ऐसे करके क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन और करवा रही हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करो इसी टाइप का। मान लो आपके सामने क्वेश्चन दिया, कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, और अब की बार क्वेश्चन को देखना मैं क्या बोल रही हूं, नहीं बनाया जा सकता, क्या बोला मैंने, नहीं बनाया जा सकता, समझ आया सभी बच्चों को, मैंने बोला इसमें से डाइस नहीं बनाया जा सकता, ओके। फर्स्ट ऑप्शन दिया मैंने आपको, एक 6 4, बी ऑप्शन दिया मैंने आप लोगों को 2 3 5, सी ऑप्शन दिया मैंने आप लोगों को, सी ऑप्शन दे दिया 5 3 1, और डी ऑप्शन दे दिया मैंने आप लोगों को 3 4 5, तो इनमें से कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता ये पूछा है मैंने, नहीं। पहला स्टेप वही रखना है, अपोजिट निकालने हैं, 1 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 4, ये तो हमने निकाल लिया, वहां पे जाओ ऑप्शन उठाओ, 1 6 4, 1 6 और 4 तीनों अलग अलग फैमिली में से है, कोई एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, इसका मतलब ये तो बन सकता है ना, इसने तो नहीं पूछा है, ये तो बन सकता है। इधर आ जाओ, 2 3 5, 2 3 5, ये तीनों भी अलग अलग फैमिली में से है, 2 3 5 भी, ये भी बन सकता है, ये भी बन जाएगा। 5 3 1, 5 3 1, ये भी तीनों अलग अलग फैमिली में से है, ये भी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 3 4 5, 3 4 और 5, 4 और 5 इसने दिया यहाँ पे, 4 और 5, 4 और 5 तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो साथ में कैसे दिख सकते हैं, तो ये नहीं बनेगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा था कौन सा नहीं बन सकता, उसके अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी 3 तो बन सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर। अभी एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रही हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो जो बच्चा क्लास को देख रहा है, अदरवाइज देख लेना फिर आप लोगों को क्या पनिशमेंट मिलेगी। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन दिया मैंने सिंपल सा दे रही हूं, बिल्कुल ही लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये दे दिया मैंने, और मैंने पूछ लिया इनमें से कौन सा, 6 ऑप्शन दूंगी, कौन कौन सा बनाया जा सकता है वो बताना है, बनाया जा सकता है कौन कौन सा, बनाया जा सकता है
कौन कौन सा बनाया जा सकता है। ओके चलो, फर्स्ट ऑप्शन दिया मैंने आपके सामने 1, 2, 5। बी ऑप्शन दिया मैंने आपके सामने 1, 2, 3। सी ऑप्शन दिया मैंने आपके सामने 2, 3, 4। डी ऑप्शन दिया मैंने आपके सामने, डी ऑप्शन दे दिया भाई, दे दिया दे दिया दे दिया, क्या दिया 6, 3, 4। और ई ऑप्शन दिया मैंने आपके सामने, ई ऑप्शन दिया मैंने आपको 5, 3, 4। और एफ ऑप्शन दिया मैंने आपके सामने, एफ ऑप्शन दिया 6, 5, 3। तो इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है, ए या बी, बी सी दोनों, ए बी दोनों, ए बी सी डी, सारे सारे ही बन सकते हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और इससे आगे अब आप लोगों के क्वेश्चन ही आ गए हैं, और बाकी वही है जैसे यहाँ तक तो हम लोगों ने क्या किया, डिजिट के ऊपर खेल रहे थे, आगे आप लोगों की वर्डिंग पे भी खेल सकता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इसकी जगह कोई कलर का नाम दे दे, लाल, नीला, पीला, काला, है ना, या फिर इनकी जगह कोई साइन दे दे, जैसे ये डाइस है आप लोगों का, ये डाइस है, मान लो यहाँ पे हैशटैग दे दिया, यहाँ पे एट द रेट दे दिया, यहाँ पे आप लोगों का डॉलर दे दिया, कुछ इस टाइप से भी आपको ये साइन दे सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितनी थ्योरी थी आप लोगों की वो मैंने करवा दी है, क्लास कैसी लगी सारे बच्चे जरूर बताएंगे, और अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर देना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। तो सारे बच्चे अपना पेन और नोटबुक निकाल के रखेंगे भाई, और ये जो आपकी क्लासेज है ये आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, शर्त है कि उसके अंदर आप लोगों की रीजनिंग आनी चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, SSC हो, HSSC हो, बैंकिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसके अंदर बस आप लोगों की रीजनिंग आनी चाहिए, तो ये क्लासेज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। सब कुछ तो यहाँ मिलेगा आप लोगों को, ना कुछ पेड खरीदना, कुछ भी नहीं, सारा का सारा कंटेंट, हर एक चैप्टर, ठीक है, 30 से लेकर 35 चैप्टर आप लोगों के रीजनिंग के, तो सारे के सारे चैप्टर आप लोगों को यहीं पे करवाए जाएंगे। बस शर्त ये है कि आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, ठीक है, साथ के साथ जो आप लोगों को होमवर्क दिया जाए वो किया करो सारे बच्चे। यूं मान के चलो कि हाँ भाई आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है और हम तैयारी कर रहे हैं, बस इतना सीरियस होके पढ़ना शुरू कर दोगे तो एक दिन सक्सेस 100% मिलेगी। और हमारा ये क्यूब का फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, ठीक है, दो क्लासेस इसकी ऑलरेडी हो चुकी है, आज आप लोगों की थर्ड क्लास है, और आज की क्लास के अंदर ये क्यूब को हम कंप्लीट करने का काम करेंगे, पूरा का पूरा क्यूब आपका सारा हो जाएगा, जितनी भी आप लोगों की टाइप्स हैं सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। अब यहाँ पे देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, मैंने एग्जामिनर की लैंग्वेज बताई आपको कि वो देगा कि भाई नीचे एक पाशे के दो प्रारूप दिए गए हैं, डाइस है नीचे, उसके दो पहलू दिए गए हैं, उसमें से बिंदु 5 के विपरीत बता दीजिए, क्या बोलेगा ये, बिंदु 5 के विपरीत बता दीजिए। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को एक टाइप बताती हूँ, क्या, जब आप लोगों को 2 डिजिट कॉमन दिया हो, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया भी होगा, जब आप लोगों को 2 डिजिट कॉमन दिए हो तो आप लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहां देखिए, सपोज करो यहां दिया है 2, 3, 1 और यहां दिया है 2, 3, 5, क्लियर, 2 डिजिट कॉमन है ना, 2, 3 यहां पे है, 2, 3 यहां पे है, 2 डिजिट कॉमन है दोनों में। तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल तुम्हारा बचा हुआ है ना, ये वाला, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, समझ आया, 2 डिजिट कॉमन है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचा हुआ है वो एक दूसरे के कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो ये 2 डिजिट बचे हुए हैं अपने 2 और 3, इनके अपोजिट में कौन आएगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कॉमन नंबर का अपोजिट हमेशा कौन होता है, हिडन नंबर, है ना, तो 2 और 3 आपके कॉमन नंबर थे, तो इनका अपोजिट कौन मिलेगा, हिडन नंबर, क्या नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, तो आप कहेंगे मैम हमें 4 और 6 दिखाई नहीं दे रहा, 1 से 6 तक का डाटा होता है डिजिट के अंदर, तो हमें 4 और 6 दिखाई नहीं दे रहा, तो 2 का अपोजिट भी बोलेंगे 4 या 6, 3 का अपोजिट भी बोलेंगे 4 या 6, या हमें ऑप्शन देंगे, एग्जैक्ट हमें आंसर का नहीं पता, क्योंकि 2 डिजिट कॉमन थे हमारे, तो हमें नहीं पता 2 का अपोजिट 4 होने वाला है या 6 होने वाला है, क्लियर भाई, ओके। एक सम और करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए, मान लो मैंने आपके सामने नेक्स्ट सम दे दिया यू करके 5
छः तीन, और इधर दे दिया चार छः पांच। इसके अंदर मैंने आप लोगों से पूछ लिया तीन का अपोजिट बता दीजिए, तीन का अपोजिट। तो आपने क्या देखा कि मैम पांच और छः कॉमन नंबर है, दो दो है ना, ये दोनों कॉमन नंबर है। तो बचा क्या आपके पास, तीन और चार, यानी तीन और चार आपस में क्या है, अपोजिट नंबर। एक्स्ट्रा मटेरियल था अपोजिट नंबर। ओके, अब बचा क्या, पांच और छह। तो पांच और छह के अपोजिट नंबर कौन आएंगे, ये तो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर का अपोजिट हिडन नंबर। तो क्या नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, आप कहेंगे मैम एक और दो दिखाई नहीं दे रहा, तो पांच का आंसर भी आ जाएगा एक या दो, छह का आंसर भी आ जाएगा एक या दो। समझ आया, ठीक है। ये क्वेश्चन करो फिर हम, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। बिंदु पांच के विपरीत बताइए, आपको अगली बार बिंदु दे दिए, डिजिट नहीं दिए, तो कोई मैटर नहीं है, कुछ भी, दो यहाँ पे दे रखा है, दो यहाँ पे दे रखा है, एक यहाँ पे दे रखा है, एक यहाँ पे दे रखा है, तो ये चीज कॉमन नहीं है दोनों में, है ना, दो और एक, दो और एक कॉमन है ना। एक्स्ट्रा मेटीरियल क्या बचा हमारे पास, पांच और चार, इसका मतलब पांच और चार एक दूसरे के अपोजिट हैं। किसका पूछा इसने, पांच का, तो पांच का अपोजिट क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चार आंसर आ जाएगा इसका। आसान क्वेश्चन था, पेपर में आया था, ये आपके सामने भी आएगा, कर दोगे सॉल्व। यहाँ पे देखो बिंदु चार के विपरीत बताना है, चार के विपरीत, आप इधर आ जाओ, चार और तीन, चार और तीन कॉमन नंबर है ना। अगर ये हमसे एक का या छह का पूछ लेता, हम आसानी से बता देते कि एक का अपोजिट छह होएगा, छह का अपोजिट एक होएगा, ठीक है। लेकिन इसने तो चार का पूछ लिया, चार तो आपका कॉमन नंबर में आया है ना, कॉमन नंबर का अपोजिट हमेशा हिडन नंबर। क्या नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, मैम एक तो हमें दो नहीं दिख रहा, एक हमें पांच नहीं दिख रहा, तो चार का अपोजिट क्या आएगा, दो या पांच। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, दो या पांच। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आ जाइए, इसमें इसने पांच का अपोजिट पूछा है, क्या पूछा है, पांच का अपोजिट। देखो कोई कॉमन नंबर, तो आप कहेंगे यस मैम कॉमन नंबर है थ्री, क्या है कॉमन नंबर, थ्री। तो याद करो फ्लैशबैक में जाके मैंने आप लोगों को एक टाइप बताई थी, जब कॉमन नंबर ऑन डिफरेंट साइड पे हो, डिफरेंट साइड ही तो है ना ये लेफ्ट में है, ये राइट में, कॉमन नंबर डिफरेंट साइड पे हो, तो आपने क्या करना है, घड़ी के जैसे क्लॉकवाइज चलना है ना, सीधा सीधा चलना है घड़ी के जैसे क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे, क्या आया, पांच, पांच का ही तो पूछा है, क्लॉकवाइज चलेंगे क्या आया, दो, तो पांच का अपोजिट क्या आ जाएगा, दो आप लोगों का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, दो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया, ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अब यहाँ पे देखो, अब आप सोचेंगे कि मैम आपने तो बोला था कि डाइस आपका एक से छह तक चलेगा है ना, बट ये आपने क्या लिख दिया मैम, यहाँ पे तो आप ये साइन ले आए, यहाँ पे आप ये बिंदु ले आए, यहाँ पे आप कलर नेम ले आए, यहाँ पे आप फिर से डिजिट ले आए, तो एग्जामिनर भी ऐसा ही करेगा, ठीक है। जितना हम सोचते हैं ना, एग्जामिनर उससे ऊपर का सोचता है, तो हमें उसी लेवल तक का अभी से सोच के चलना है, ताकि पेपर में हमें कोई भी दिक्कत ना हो, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं मान लो इसी टाइप के आप लोगों को 50 क्वेश्चन करवा दूं, इसी इसी टाइप के, आप कहोगे मैम ने 50 क्वेश्चन करवा दिए और सही है भाई हमारी तैयारी हो गई, पेपर में आ गया ये, रह जाओगे फिर, पेपर में आ गई ये साइन, रह जाओगे फिर। तो हमें मतलब प्रैक्टिस बेशक कम कर ले, कंटेंट सारा करना है, क्योंकि प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हैं, आप अगर सीरियस होके तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के पास बुक है ना, कंटेंट आपको सारा यहाँ से मिलेगा, सारी टाइप जितना भी एग्जामिनर पूछ सकता है सारी टाइप आपको यहाँ मिलेगी, प्रैक्टिस आप लोग बुक में से करिए, अगर उसमें से एक क्वेश्चन भी आपसे ना हो पाए फिर मेरे को बोलना, क्लियर। तो यहाँ देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसने आपको छह साइन दिए हैं, हैशटैग का, स्टार, डॉलर, एट द रेट, परसेंटेज और स्माइल, ये आपको छह साइन दिए हैं। अब आपके जो एक से छह तक के डिजिट थे ना, उनको भूल जाओ, ये साइन याद रखो, ठीक है, ये साइन याद रखो। तो इसने बोला है कि हमें डॉलर का अपोजिट बता दीजिए, क्या पूछ लिया इसने, डॉलर का अपोजिट। ओके, तो
यहाँ देखो भाई डॉलर तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, डॉलर क्या है दोनों में कॉमन। फिर हम क्या करेंगे, ये बाकी तो और कोई चीज कॉमन नहीं है ना, नहीं है। और हमें ये पता है जो कॉमन नंबर होता है उसका अपोजिट तो हिडन नंबर होता है, पता है ना इस बात का। तो इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, जो छिपा हुआ है, तो वो कॉमन नंबर का ही तो अपोजिट है। क्या छिपा हुआ है आप कहेंगे, मैम स्माइली छिपा हुआ है, स्माइली, क्या छिपा हुआ है, स्माइली। तो ये ऑप्शन नहीं दिया, सॉरी मैं भूल गई, एट द रेट, परसेंटेज, हैशटैग और स्माइली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, स्माइली हो जाएगा, स्माइली। समझ आया, क्योंकि डॉलर दोनों में क्या था, कॉमन था, कॉमन नंबर का अपोजिट हिडन नंबर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चार का अपोजिट पूछ लिया, किसका, चार का, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें। आप कहेंगे मैम पांच और एक, पांच और एक, ये हमें कॉमन दिखाई दे रहा है मैम, तो चार का अपोजिट क्या हो जाएगा, दो। बाकी जो एक्स्ट्रा मटेरियल बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट ही तो है, चार का अपोजिट हो जाएगा मैम दो। आगे आइए, कलर नेम है येलो, ब्लू, ऑरेंज, ऑरेंज, ब्लू, वायलेट, ठीक है। इसमें इसने पूछ लिया येलो कलर का अपोजिट बता दो। अब आप कहेंगे मैम कलर तो इतने सारे हैं, है ना, कुछ और भी तो हो सकता था, बट हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट है। कैसे, इसने क्या दे दिया, इसने दो कॉमन दे दिए हमें, ऑरेंज और ब्लू, ऑरेंज और ब्लू, ये दोनों कॉमन दे दिए। जब दो नंबर कॉमन हो तो ऑटोमेटिकली तीसरा एक्स्ट्रा मटेरियल अपोजिट होता है आपस में, समझ गए। दो दो नंबर कॉमन थे इसमें, दो दो कलर कॉमन थे, तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल बच रहा है वो एक दूसरे का अपोजिट है। तो येलो का अपोजिट क्या हो जाएगा, वायलेट, ये आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, फोर का अपोजिट पूछा है इसने, किसका अपोजिट, फोर का अपोजिट, दोनों में कॉमन चेक करो क्या दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे मैम थ्री, क्या दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे मैम थ्री, एक ही कॉमन नंबर है, क्लॉकवाइज चलेंगे, चलो क्लॉकवाइज चले, एक आया, क्लॉकवाइज चले, चार आया, मतलब एक का अपोजिट चार, पूछा किसका है, चार का, तो चार का अपोजिट एक, क्या हो जाएगा राइट आंसर, एक हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, निशान दे रखे थे आपको, कॉमन नंबर था डॉलर वाला निशान, ठीक है, इसका अपोजिट होएगा हिडन नंबर, स्माइली आपको यहाँ दे नहीं रखा था, स्माइली आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के दो दो कॉमन नंबर थे, एक और पांच, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, चार का अपोजिट हो जाएगा दो। यहाँ पे आपके ब्लू ऑरेंज सेम सेम था, दो कॉमन नंबर थे, तो येलो का अपोजिट हो जाएगा वायलेट। यहाँ पे आप लोगों का एक कॉमन नंबर था थ्री, तो आप क्लॉक वाइज चलेंगे, तो इधर से एक, उधर से चार, एक का अपोजिट हो जाएगा चार। यहां तक नोट करें सारे, देखो भाई नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन दे रखे हैं। अब आप कहेंगे मैम अब तक तो हम दो के साथ खेल रहे थे, अब आप एकदम से चार ले आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। जितने ज्यादा ये आपको देगा ना, जितने ज्यादा पहलू देगा किसी भी डाइस के, उतना ही आपके लिए क्वेश्चन आसान है। ये कैसे है, एक तो इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड अपनाएंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था क्लास के अंदर, क्या कि जो अपोजिट फेस होते हैं वो कभी भी साथ में नहीं दिखते, बताया था ना, अपना अपोजिट, ये अपोजिट, इसका अपोजिट क्या है, पीछे वाला, तो ये नहीं दिख रहा ना, अगर ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, होता है ना ऐसा, अपोजिट फेस कभी भी साथ में नहीं दिखते। इसका मतलब है छह का अपोजिट दो नहीं हो सकता, दो का तीन नहीं हो सकता, तीन का चार नहीं हो सकता, ओके, ऐसे करके होता है। अब इसने क्या पूछ लिया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि छह का अपोजिट बता दीजिए हमें, क्या पूछा है, छह का अपोजिट आप लोग एलिमिनेट करेंगे, छह का अपोजिट कौन नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता, तीन नहीं हो सकता, तो दो और तीन को तो कैंसिल कर दो, दो और तीन को क्या कर दिया तुमने, ऑप्शन को कैंसिल। उसके बाद छह के साथ चार भी दिखाई दे रहा है भाई, तो छह का अपोजिट चार भी नहीं हो सकता, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक। था ना सभी क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन, है ना, जितने ज्यादा पहलू दे रखे थे उतना ही हमारे लिए आसान हो गया, ना हमें क्लॉकवाइज घूमना पड़ा, ना हमें कुछ। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड अपनाना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर करने की कोशिश करो। इसने बोला तीन का अपोजिट, अगर ऑप्शन एलिमिनेशन ना लगे ना, फिर अपने वाली ट्रिक अपना लेना, कॉमन देख के कोई भी और क्लॉकवाइज, ठीक है।
तीन का अपोजिट पूछा इसने, तीन कहाँ पे है ये रहा। तीन का अपोजिट पांच नहीं हो सकता, छह नहीं हो सकता, छह को कैंसिल कर दो। अब और कहीं आप लोगों को तीन नहीं दिखाई दे रहा ना, तो और ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट नहीं हो सकते। अब हमें क्या करना है, किसी दो डाइस को ऐसा ढूंढ लो जिसमें तीन हो उनके साथ। और अब ये देखो ये वाला डाइस है, इसमें तीन है ना, इसी डाइस को कंपेयर करेंगे और डाइसों के साथ, समझ आया। फर्स्ट वाला डाइस उठाओ, तो हमारी बात बन चुकी है। कैसे, फर्स्ट वाले डाइस को और थर्ड वाले डाइस को अगर कंपेयर करें, तो कंपेयर करने के बाद पांच और छह हमारा कॉमन आ रहा है। पांच और छह क्या आ रहा है हमारा कॉमन, और एक्स्ट्रा मटेरियल जो बचा वो एक दूसरे का अपोजिट है। तो तीन का अपोजिट क्या हो जाएगा, चार। क्या हो जाएगा तीन का अपोजिट, चार। आप लोगों का इसमें राइट आंसर है, समझ आया। कोई भी दो डाइस ऐसे उठाने हैं आपने जिसमें कॉमन वाला बैठ जाए, और फिर उसी हिसाब से आप लोग अपना आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, छह का अपोजिट पूछा है, छह का अपोजिट। ओके, छह कहाँ दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मैं आपके सामने चार क्वेश्चन लेके आई हूँ, चारों क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक लग रही है। सारी टाइप डाइस की एक टाइप भी इससे बाहर नहीं जाएगी आज वाली क्लास से बाहर, क्लियर। तो अभी देखो यहाँ पे तो आपको छह ही नहीं दिखाई दे रहा, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करें मैम। कोई इशू नहीं है, कंपेयर करो। यहाँ देखो हमें एक बात पता चली, क्या, पांच तीन, पांच तीन कॉमन है ये तो, है ना, पांच तीन और पांच तीन कॉमन है। इसका मतलब एक का अपोजिट तो चार पक्का है। यहाँ पे लिखते जाओ आपका एक का अपोजिट तो चार आ चुका है, बट हमें तो छह के पास जाना है ना, कोई इशू नहीं है, एक का अपोजिट चार आ चुका है। इधर आ जाइए, अगर मैं मान लो किसको कंपेयर करूं, इसको और इसको कंपेयर करूं, इन दोनों को देखो, फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर करके हमें एक का अपोजिट चार मिल गया, ठीक है। अब यहां से कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो चार और तीन, चार और तीन कॉमन है अपना, देखो चार तीन, चार तीन कॉमन है। इसका मतलब पांच का अपोजिट अपना दो मिल गया, पांच का अपोजिट अपना दो मिल चुका है। अब आप लोग आंसर आसानी से बता सकते हो, एक का अपोजिट चार, पांच का अपोजिट दो, तो छह के लिए अपोजिट कौन बचा, आप लोग कहेंगे मैम तीन, तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छह का अपोजिट कौन बचा, तीन, क्योंकि ये चार डिजिट तो पहले ही आ चुके हैं, पांचवा डिजिट छह है, लास्ट का एक ही डिजिट बचा हमारे पास, वो है आपका तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, फिर से इसने साइन दे दिया और इसने स्टार का अपोजिट पूछ लिया। क्या पूछ लिया, स्टार का अपोजिट। ओके, स्टार के साथ एट द रेट दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, ये तो अपोजिट हो नहीं सकते, एट द रेट को कैंसिल करो। स्टार के साथ प्लस का निशान भी दिख रहा है मैम, प्लस भी अपोजिट नहीं हो सकता, कैंसिल करो। ये क्वेश्चन मार्क है भाई, ओके, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अभी मैम यहाँ पे देखो, स्टार के साथ प्लस था, यहाँ पे स्टार के साथ एट द रेट था, ये कैंसिल कर दिया हमने। अब यहाँ पे स्टार के साथ मैम डॉलर भी दिख रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन वाला ही मेथड लग रहा है अपना। स्टार के साथ डॉलर भी दिख रहा है मैम, स्टार के साथ डॉलर भी कैंसिल करो, राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या, क्वेश्चन मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आंसर ही लिख रखा था, देख लो, फिर भी नहीं पहचाना तुमने आंसर, मैंने यहाँ पे आंसर ही लिख रखा था, ठीक है। तो स्टार का अपोजिट क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, यहां तक नोट डाउन करो। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपके सामने चार प्रारूप दे रखे हैं, चार फेसेस दे रखे हैं, चार टाइप से। तो यहाँ देखो, इसके अंदर आप लोगों से तीन का अपोजिट पूछा है, सोचो आप करने की कोशिश करो अब इस क्वेश्चन को। मैंने ये टाइप आप लोगों को करवा दी, जल्दी करने की कोशिश करिए। दो छह तीन, पांच चार दो, छह एक तीन, तीन एक पांच, और तीन का अपोजिट पूछा है, ऑप्शन दे रखे हैं 6 4 3 2, राइट आंसर क्या होगा। चलो देखो, कर लोगे, थ्री के साथ मैम टू दिखाई दे रहा है, सिक्स दिखाई दे रहा है, तो टू और सिक्स तो ऑप्शन में से कट हो जाएंगे, तो टू और सिक्स तो हमने ऑप्शन में से कट कर दिया। तीन का ही पूछा ना, तीन के ऊपर ही कंसेंट्रेट करना है, ठीक है। तीन अब यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है मैम, तीन के साथ एक और छह भी कट हो जाएंगे मैम, तो छह तो हमने पहले ही कर दिया, एक ऑप्शन में है ही नहीं। ओके, तीन यहाँ भी दिखाई दे रहा है मैम, एक और पांच भी कट हो जाएंगे। अच्छा जी, अब एक बात बताओ सारे बच्चे, क्या तीन के साथ छह कट हो चुका, दो कट हो चुका,
इधर से देखो, एक कट हो चुका, पांच कट हो चुका, एक कट पांच कट, तीन ये खुद ही है, तीन का अपोजिट तीन कैसे हो सकता है। राइट आंसर क्या जाएगा आप लोगों का? फोर, है ना। सारी चीजें तो कट हो चुकी, बचा क्या हमारे पास, बेचारा इकलौता फोर बच गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो ब्लू ऑरेंज, ऑरेंज ब्लू वायलेट, ब्लू येलो रेड, रोज रेड येलो, तो ब्लू का अपोजिट पूछा है, बताइए ब्लू का अपोजिट क्या आएगा, जल्दी बताएं सारे बच्चे। देखो ब्लू का पूछा है ना, ब्लू के ऊपर कंसंट्रेट करो, ब्लू के साथ में ऑरेंज दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ऑरेंज 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 तो वहां पे है ही नहीं ऑप्शन में, येलो भी ऑप्शन में नहीं है मैम, कोई इशू नहीं है। यहां देखो तो आपके साथ ब्लू के साथ रेड कट हो जाएगा, एक तो रेड कट हो जाएगा ना, यहां से येलो ऑप्शन में है नहीं, और क्या कट होएगा, कुछ कट नहीं हो रहा। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, हम वही वाली ट्रिक अपनाते हैं, कौन सी, दो टाइल्स को उठा के जहां जहां आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, इस वाले को उठा लो, इन दो को उठाएं, इन दो में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, येलो, क्या दिखाई दे रहा है, येलो, येलो से क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देंगे, येलो से क्लॉकवाइज चले क्या आया, रेड, और येलो से क्लॉकवाइज चले क्या आया, रोज, यानी कि इसने तो, एक सेकेंड रुक जाइए भाई, एक नहीं दो कॉमन था इसमें, है ना, वो रेड तो हमने देखा ही नहीं। इधर देखो, येलो और रेड दो चीज कॉमन है हमारे पास, यहां से आप लोगों का राइट आंसर आ चुका है कि ब्लू का अपोजिट क्या हो जाएगा, रोज, यानी कि गुलाब आप लोगों का राइट आंसर है, बस कुछ देखना ही नहीं देखना ना, क्योंकि दो अपोजिट हो ऑटोमेटिकली, तीसरा दो कॉमन नंबर हो ऑटोमेटिकली, जो कॉमन नंबर नहीं है वो अपोजिट ही होता है, तो दो कॉमन नंबर निकल गए, तो ब्लू बचा रोज बचा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इधर आ जाइए, प्लस का अपोजिट पूछा है भाई, प्लस का अपोजिट देखिए, ये ना मैम, प्लस परसेंटेज कट जाएगा, डॉलर कट जाएगा, परसेंटेज को कट कर दो, डॉलर को कट कर दो, ओके, एक मैम प्लस ये रहा, मैम ये रहा, तो ये सर्कल भी कट जाएगा, परसेंटेज भी कट जाएगा, वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, और क्या दे रखा है कहाँ पे, कुछ नहीं दे रखा ना, ठीक है, ओके। चलो अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर लू, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो परसेंटेज कॉमन आ रहा है मेरा, क्या आ रहा है, परसेंटेज कॉमन आ रहा है, और सेम साइड पे ही आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लोगों ने ये टाइप की थी, जब एक कॉमन नंबर हो और सेम साइड पे हो, तो इधर वाले का अपोजिट, इधर वाले का अपोजिट, नीचे वाले का अपोजिट, तो क्या पूछा है, प्लस का अपोजिट पूछा है, तो प्लस का अपोजिट इधर से क्या आ जाएगा भैया आप लोगों का, एक सेकेंड, फिर से हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इस प्लस को नहीं देखा, छोड़ो इसको, और दो उठाएंगे हम लोग, एक मिनट रुक जाइए, और दो को उठाएंगे। यहां देखो, मान लो फर्स्ट के साथ ही कंपैरिजन कर लूं मैं, इसका कर लूं, इसका कंपैरिजन कर लिया, तो ये दो और ये दो कॉमन है, यानी परसेंटेज का अपोजिट तो आ जाएगा ये स्टार, ठीक है, बट हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, देखो इन दोनों को कंपेयर करूं आपस में, फर्स्ट और थर्ड को, परसेंटेज परसेंटेज मल्टीप्लाई प्लस स्टार, ये वाला स्टार, और इधर से आ जाएगा डॉलर, तो इस हिसाब से आप लोगों का प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि सेम साइड पे कॉमन नंबर दे रखा है, परसेंटेज परसेंटेज सेम साइड पे था, उधर मल्टीप्लाई है तो उधर प्लस है, तो प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आप लोगों का राइट आंसर है, ठीक है भाई। अब इससे आगे एक क्वेश्चन हम करेंगे, और वो क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसको ध्यान से, मैंने आप लोगों को ये बताया था ना कि एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, सिंपल डाइस स्टैंडर्ड डाइस, इसके बारे में बताया था कि स्टैंडर्ड डाइस में आप लोगों का अपोजिट फेस का जोड़ सात होता है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे वो देखिए। हाँ भाई, तो देखो एक क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है, कहीं यूं सोच लो कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो देखिए, यदि घनाकार बक्से के विपरीत सतह पे अंकित बिंदुओं का योग सात है, तो इनमें से कौन सा चित्र सही है, क्या पूछा है इसने, यदि घनाकार बक्से के विपरीत सतह पूछा है, ओके, अपोजिट फेसेस का जोड़ सात है, पहले तो यहां से एक पॉइंट नोट करो, अगर अपोजिट फेसेस का जोड़ सात है, इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज है, क्या
क्या है ये? स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज में हमें ये पता है जो एडजेसेंट साइड है उनमें किसी का भी जोड़ आपका साथ नहीं मिलेगा, है ना। अपोजिट का साथ है तो एडजेसेंट में जोड़ साथ नहीं मिलेगा, तो वो चेक करो आप लोग। कर लिया आप लोगों ने चेक? यहां पे देखो भाई, चार और दो क्या साथ होता है? नहीं। चार और एक क्या साथ होता है? नहीं। तो यही आपका छह और एक साथ, हाँ भाई छह और एक साथ होता है, तो ये तो आपका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग द अपोजिट फेसेस क्या बनेंगे? एक का अपोजिट छह, दो का अपोजिट पांच, तीन का अपोजिट चार। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखी है फर्स्ट क्लास में ही। तो एक और छह साथ कैसे दिख सकते हैं? कैंसिल करो, यहाँ पे आ जाइए, पांच और एक छह, तीन और एक चार, पांच और तीन आठ, यही आप लोगों का राइट आंसर है। यहाँ आ जाइए, चार और तीन सात, चार और तीन तो आपस में अपोजिट पेयर है, ये सात कैसे दिख सकते हैं? ये भी गलत हो जाएगा। पांच और दो सात, पांच और दो तो अपोजिट फेस है, ये सात कैसे दिख सकता है? तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा आप लोगों के सामने? ये आ जाएगा। तो इस तरफ का रहेगा, अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो गलत मत करना। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसने बोल दिया था कि विपरीत स्थिति में अंकित बिंदुओं का जोड़ साथ है, यानी कि अपोजिट फेसेस का जोड़ साथ है, इसका मतलब वो स्टैंडर्डाइज है, इसका मतलब एडजेसेंट फेसेस का जोड़ किसी का भी साथ नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर आपका क्या आया? सेकेंड आया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग करेंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस मैंने आप लोगों को करवा दिया ना, उसी से रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए बोर्ड पे, हाँ भाई देखो, ये ओपन डाइस के क्वेश्चन आप लोगों के, ये मैंने आप लोगों को टाइप पहले भी करवाई थी, है ना। इसमें क्या करना है, एग्जामिनर इस टाइप से आपको ओपन डाइस देगा, चार ऑप्शन देगा आपको कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा इसका पहलू है, समझ आए? यानी इस डाइस को जब हम बंद कर देंगे तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो बन सकता है। तो अभी इधर देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अपोजिट चूज करना है आपने, अपोजिट के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अल्टरनेट वाला मेथड बताया था ना, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी। इधर से फिर ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी। बचा हुआ क्या है? ए और डी। तो ए का अपोजिट हो जाएगा डी। ये तो हमने अपोजिट चूज कर लिए। अब क्या करना है, फिर से उसी बात को याद करो, कौन सी वाली को, कि मैंने आपको ये बताया था अपोजिट नंबर कभी भी साथ में नहीं दिखते। आज इधर एफ ई बी, एफ ई बी, एफ और बी, देखो एफ और बी तो आपके अपोजिट पेयर है ना, तो साथ कैसे दिख सकते हैं? ये ऑप्शन हो जाएगा कैंसल। एफ डी ई, एफ डी ई, तीनों अलग अलग फैमिली में से है, कोई एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो ई सी बी, ई और सी, ई और सी भी आपस में क्या है? अपोजिट पेयर, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी कैंसल हो जाएगा। डी ए ई, तो डी और ए भी आपस में क्या है? अपोजिट पेयर, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी कैंसल हो जाएगा, राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। इस क्वेश्चन पे आइए अब, यहाँ पे बोला है कि इसको देख के बनाओ इनमें से कौन सा बन सकता है। पहला काम वही अपोजिट चूज करना है, एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? दो। तीन का अपोजिट क्या हो जाएगा? पांच। चार का अपोजिट क्या हो जाएगा? छह। ये सारी टेक्निक मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता दी थी कैसे चूज करना है, आज सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, थ्योरी हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए, दो पांच तीन, पांच और तीन तो आपस में अपोजिट पे है ना, तो सात कैसे दिख सकते हैं? कैंसल। चार तीन छह, चार और छह तो अपोजिट पे है ना, तो चार और छह सात कैसे दिख सकते हैं? कैंसल। तीन पांच दो, तीन और पांच तो अपोजिट पे है ना, तीन पांच कैसे सात दिख सकते हैं? कैंसल। चार तीन एक, चार तीन एक, तीनों अलग अलग है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी आसान था। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें क्या है, कोई घबराने वाली बात नहीं है कुछ भी। इधर देखो, ट्राइंगल का अपोजिट क्या आ जाएगा? इक्वल का निशान। इधर से डिवाइड का अपोजिट क्या आ जाएगा? माइनस का निशान। बचा क्या? मल्टीप्लाई और प्लस। तो मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई और किसका अपोजिट हो जाएगा? प्लस का अपोजिट। अपोजिट निकाल लिया हमने, इधर चेक करो, मल्टीप्लाई और अपोजिट साथ में दे रखा है, कैंसिल करो इसको, मल्टीप्लाई और प्लस साथ में दे रखा था ना, ये साथ में दिख ही नहीं सकता, अपोजिट है ये तो। इधर आ जाओ, अब ये क्या आपके पास? ट्राइंगल, डिवाइड और इक्वल। ट्राइंगल और इक्वल, ये तो अपोजिट पेयर है,
ट्राइंगल और इक्वल कैसे दिख सकता है? नहीं दिखेगा ना, इसको भी कैंसिल करो। ट्राइंगल मल्टीप्लाई डिवाइड, ट्राइंगल मल्टीप्लाई डिवाइड, तीनों अलग अलग हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपके ओपन डाइस थे। अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपको उल्टा दे देगा, ये आपको दे देगा इनमें से एक, ठीक है, और फिर ये ऑप्शन में देगा। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन देगा आपको। देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या मिलेगा, जैसे इसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, आपको एक ये दे रखा था ओपन डाइस, है ना, और नीचे आपके सामने ऑप्शन थे कि ओपन डाइस में से इनमें से कौन सा डाइस मतलब दिख सकता है। आपकी बार एग्जामिनर ने क्या कर दिया, उल्टा करके दे दिया, आपको ये डाइस दे दिया, ठीक है, एक ही डाइस के दो पहलू है ये डाइस दे दिया और ये कह दिया अगर हम इस डाइस को ओपन करें तो इनमें से कौन सा डाइस बनेगा, वो कौन सा डाइस बन सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इन सभी डाइस के अपोजिट निकालने पड़ेंगे। थोड़ा लेंथी पड़ेगा ये सम, क्योंकि अब इतनी हाई फाई टाइप बस यही है डाइस की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन और है बस हमारा लास्ट में, वो और इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है डाइस के अंदर। तो यहाँ देखो, अब आपकी अगर स्पीड हो ही चुकी है तेज मेरे हिसाब से, तो फटाफट अपोजिट निकाल लोगे। एक का अपोजिट छह, पांच का अपोजिट दो, तीन का अपोजिट चार, फटाफट आप लोगों ने निकाल लिया। अब आपको पता है अपोजिट फेस साथ में नहीं दिखते, क्या एक और छह इसमें साथ में दिख रहा है? नहीं दिख रहा, एक यहाँ है छह वहां है। क्या पांच और दो साथ में दिख रहा है? नहीं दिख रहा, पांच यहाँ है दो वहां है। क्या तीन और चार साथ में दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तीन यहाँ है चार वहां। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है, ए ही राइट आंसर है। यहाँ देखिए, एक का अपोजिट पांच हो जाएगा, बट एक और पांच को साथ में दिख रहे हैं, अपोजिट हो नहीं सकता, कैंसिल। यहाँ पे देखिए, एक का अपोजिट छह हो जाएगा, तो चलो हो जाएगा मान लो। दो का अपोजिट चार हो जाएगा, बट दो और चार तो साथ में दिख रहे हैं, नहीं हो सकता, कैंसिल। यहाँ पे देखिए, दो का अपोजिट चार हो जाएगा, दो और चार तो साथ में दिख रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, राइट ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों का ये वाला। समझ में आया? दोबारा देखिए, जो ये डाइस दे रखा है इसी के ओपन डाइस पूछे आप लोगों से कि कौन सा डाइस बन सकता है। अगर आपको इसमें से ये पता है कि भी कौन कौन से नंबर आपस में अपोजिट है, वो इसमें मैच कर लो, वो साथ में नहीं दिखने चाहिए। जोन से की कंडीशन सेटिस्फाई है, वही आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, ओके। और अब हमारी जो लास्ट टाइप है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो जरूर देखना, शायद ही किसी टीचर ने करवाई होगी। ओके, इसके बाद देखो, अब देखो भाई, डाइस की क्लास का आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइप है आप लोगों की। ठीक है, इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी टाइप देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप लोगों ने कंटिन्यू इस क्लास को देखा है तो सारे डाउट आप लोगों के क्लियर भी हो गए होंगे डाइस से रिलेटेड, है ना। फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखो भाई, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था एक बार, और बड़ा ही हाई लेवल का एग्जाम था। ठीक है, तो अगर ये आपके सामने आ जाए तो आप कैसे करेंगे? इसने क्या बोल दिया भाई, छह अलग अलग पासे दिखा रखे हैं, ओके, जिसके ऊपरी सतह पे अंकित अंकों को विलुप्त कर दिया गया है। ये जगह आपको खाली दिखाई दे रही है ना, ये मत सोचना कि मैम यहाँ पे लिखना भूल गई, दे ही खाली रखी है ये। यदि प्रत्येक पासे के दो विपरीत सतह पे अंकित अंकों का योग सात हो, यहां से एक बात समझना है तुम्हें, अपोजिट डिजिट का जोड़ सात है, इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज है। क्या है ये? स्टैंडर्डाइज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, यदि सम संख्यांकित मान वाले पासे के ऊपरी सतह पे, पहली बात तो सम वाले जो भी आपको डाइस दिखाई दे रहे हैं ना, उसमें ऐसा डाइस ढूंढना है जिस पे दोनों इवन नंबर है, दोनों क्या है, जिस पे इवन नंबर है, ओके, और फिर ऊपरी सतह पे बिंदु सम संख्या में ही हो। ऊपर जो रखोगे ना, जो ये खाली दे रखा है, वहां पे जो आप फिट करेंगे वो भी इवन नंबर में होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपरी सतह पे अंकित बिंदुओं का योग क्या होगा? तो देखो, पहला स्टेप तो हमारा यही है ना कि हमें सम वाला ढूंढना है पासा। क्या ये सम वाला है? ना, ये तो तीन है, दोनों सम के होने चाहिए। ये इसमें तो तीन है, ये तो ओड नंबर है, ये पांच है, ये ओड नंबर है, यहाँ पे है इवन नंबर, छह भी इवन है, चार भी इवन है, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इस पासे की बात कर रहा है इसकी। यहाँ देखो, छह और चार आ गया ना। अब यहाँ देखिए, दो और चार, ये दो और चार क्या है, ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, इवन वाला ही नंबर हो जाएगा। यहाँ देखो, एक ये नहीं है, ओड है, वहां पे ये पांच ओड है, तो रह गए हमारे ये दो पासे। अब एक बात बताओ सारे बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, ये वाली बात याद रखो। अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पे छह दिखाई दे रहा है,
छह का अपोजिट क्या होता है? एक, मतलब एक नहीं दिखेगा और एक तो हमें यहाँ पे लिखना भी नहीं है, छोड़ो। चार का अपोजिट क्या होता है? तीन। इस वाले पेयर में से चार ले लिया, बच गया क्या हमारे पास? तो आप कहेंगे मैम पांच और दो बच गया। क्या बचा? पांच और दो बचा, ठीक है। इन दोनों में से यहाँ पे पांच फिट करूं या दो फिट करूं, क्या कहेंगे आप लोग? इसने बोला यहाँ देखो ऊपरी सतह पे भी बिंदु सम संख्या में फिट करना है। क्या करना है? सम संख्या में फिट करना है। तो ऊपर मैं क्या फिट कर दूंगी? दो फिट कर दूंगी, कर दो। क्या कर दिया? दो फिट कर दिया, ठीक है। इस वाले केस में आ जाओ, दो आया हुआ है आपके पास, दो और पांच का पेयर। चार भी आया हुआ है आपके पास, चार और तीन का पेयर। बचा क्या? एक और छह का पेयर। क्या बचा? एक और छह का पेयर बचा। इतना समझ आ गया? आ गया। अब यहाँ देखिए ऊपर वाले पोर्शन में आप क्या फील करेंगे, एक फील करेंगे या छह फील करेंगे? तो आप कहेंगे मैम हम छह फील करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? छह फील करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? इवन नंबर ही रखना है। ओके भाई, अब क्या बोला इसने कि उसपे अंकित बिंदुओं का जोड़ क्या होगा? उसपे अंकित बिंदुओं का जोड़, अगर मैं इसको देखूंगी ना, छह और चार दस, दो बारह, कितना जोड़ आया? बारह। इसको देखूंगी चार दो छह और छह बारह, तो दोनों में से चाहे आप किसी भी डाइस को देख लो जोड़ कितना आएगा? बारह ही आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बारह हो जाएगा। समझ आया? दोबारा देखिए इसी सम को। इसने बोला था इवन संख्याकित मान वाले पासे को देखना है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर लिखे हों। तो हमारे नजर में एक तो ये आया, एक ये आया, इसपे भी इवन नंबर छह, इवन नंबर चार, इवन नंबर दो, इवन नंबर चार, तो ये दो पासे छटे थे हमारे। उसके बाद इसने बोला था कि जो ऊपर खाली है उसमें भी आपने इवन नंबर ही फिल करना है। यहाँ पे जगह किसकी बची थी? या तो यहाँ पे पांच आ सकता था क्योंकि पांच और दो वाला पेयर ही रहता था, पांच हम ले नहीं सकते, वो ओड नंबर है, इसीलिए दो लिया। यहाँ पे पेयर क्या बचा था? छह और एक वाला बचा था, एक हम ले नहीं सकते क्योंकि वो ओड है, इसीलिए हमने छह नंबर लिया। क्लियर? तो जोड़ कितना आ जाएगा आप लोगों का? बारह आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है? विषम वाला लेना है अब की बार। क्या बोल दिया? विषम वाला, और सेम क्वेश्चन चलेगा। तो विषम वाला उठाइए भाई, क्या ये विषम का है? ये तो छह है, नहीं है। क्या ये विषम का है? इसमें चार आ गया, नहीं है। ये तो सम के ही थे, छोड़ो। इधर आ जाओ, पांच और एक दोनों ही विषम है, यानी ये बात कर रहा है इस पासे की। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे चार फिर से सम आ गया, यानी हमारे पास इकलौता पासा ये बचा है जिसकी बात ये सेकंड क्वेश्चन में कर रहा है। अब देख लो, पेयर बना लो, एक का अपोजिट छह, पांच का अपोजिट दो, यानी यहाँ पे कौन आ सकता है? यहाँ पे या तो चार आ सकता है या तो तीन आ सकता है। चार और तीन का ही तो पेयर बचा। नंबर क्या लेना है? ओड नंबर लेना है, मतलब कि विषम संख्या लेनी है। विषम संख्या क्या है इसमें से? तीन। क्या है? तीन है। अब तीनों का जोड़ बता दो, पांच और एक छह और तीन नौ, नौ आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम काम सम वाले के साथ करना था, सेम काम विषम वाले के साथ करना था। तो ये आप लोगों की डाइस की लास्ट टाइप थी, इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप कोई बुक जो भी आपके पास है, एक्स वाई जेड कुछ भी, वहां से आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट चैप्टर क्या क्या चैप्टर करना चाहते हो वो बात भी बता देना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, लाइक करके जाना, ठीक है? तो आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट सभी को। टेक केयर, बाय।